Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. According to the schedule students, आज है वेनसडे एंड सेकेंड शिफ्ट का जो लेक्चर है दैट इज ओ सी. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future update. So students, ये है class 4, Principle of Management. इसमें हम discuss करेंगे techniques of scientific management. Previously मैंने आपको F.W. Taylor का scientific management के principles explain कर दिए थे. अगर आपने वो video नहीं देखा अभी तक, so do check it out. उसका link मैंने description box में provide कर दिया है. तो चलिए बढ़ते हैं video की तरफ. देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सबसे पहला पॉइंट है, रेड में हमने हाईलाइट किया है, दैट इज़ वर्क स्टडी. ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखिए. बिफोर असाइनिंग दी वर्क टू दी अवेलेबल वर्क फोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय दी मैनेजमेंट. हर मैनेजमेंट क्या करता है, वर्क स्टडी करता है. ठीक है, अभी वर्क स्टडी के भी क्या है, चार पार्ट्स है, वो आगे हम देखेंगे. ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है. वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ फंक्शंस. ठीक है, क्या करता है, स्टडी करता है कि पर्टिकुलर जो वर्क है वो ये बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, तभी असाइन किया जाता है उस पर्सन को. ठीक है, वर्क को. सबसे पहला उसका पार्ट देखते हैं वर्क स्टडी का, दैट इज़ टाइम स्टडी. इट इज़ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग. आई एम रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कम्प्लीट अ गिवन टास्क. क्या देखा जाता है, यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड किया जाता है कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो कितने टाइम में एक पर्टिकुलर टास्क को कवर करता है. विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क इज डिटरमाइंड. तो इससे ये पता चलता है कि एक काम करने के लिए कितना टाइम लगता है. ठीक है, एक एवरेज टाइम निकाला जाता है. सो बी पार्ट देखते हैं उसका, दैट इज़ मेथड स्टडी. किस तरह का मेथड होना चाहिए काम करने का. देर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कम्प्लीटिंग द टास्क. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं काम को करने के लिए. फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए. उस मेथड में क्या आपको क्या मिलना चाहिए, बिजनेस को क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए और क्या कॉस्ट भी कम लगना चाहिए. ठीक है, हर बिजनेस यही सोचता है. बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर, बट ये भी क्या है, एक चैलेंजिंग टास्क है, मुश्किल है एक मैनेजर के लिए. इट हैड टू रिड्यूस द वेस्ट ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल्स एंड इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. क्या करना चाहिए, प्रॉपरली हमें ऐसा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से टाइम भी वेस्ट ना हो, रॉ मटेरियल भी हमारा अच्छे से इस्तेमाल हो, वेस्टेज ना हो करके. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका सी पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, दैट इज मोटिव स्टडी. अभी देखो मोटिव स्टडी क्या होता है. द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोटिव मीन्स द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज हेल्पफुल इन एलिमेंट्री अननेसेसरी मूवमेंट एंड फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. इट इज ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. अभी मोटिव स्टडी क्या होता है, जो शिफ्ट करते हैं टाइमिंग. ठीक है, अगर एक बंदा एक मशीन पे काम करने कर लिया, उसके बाद वो दूसरे मशीन पे जब वो काम करने जाता है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, सो उसको जाने का जो मूवमेंट टाइम होता है वो कैसे कम किया जाए, क्या सोचता है मैनेजमेंट सोचता है. इससे क्या होता है, टाइम भी बच जाता है आपका, अननेसेसरीली वेस्ट नहीं होता आपका टाइम, एंड आपके जो आउटपुट है बिजनेस को ज़्यादा मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज़ फटीग स्टडी. जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट्स इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, दैट इज़ फटीग. फटीग का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. क्या होता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, ठीक से अगर ब्रेक ना मिले, सिर्फ काम में वो ध्यान दे, तो वो अपना 100% नहीं दे पाता. इसके लिए क्या दिया जाता है, उसे ब्रेक दिया जाता है. इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन दी हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ दी वर्कर्स, बट ऑलवेज ब्रेक मिलना चाहिए. हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर वर्किंग फील्ड में ब्रेक होता ही है. द स्टडी ऑफ फटीग एंड स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. क्या करना चाहिए, फटीग होना चाहिए, दैट इज टाइम मिलना चाहिए, ब्रेक मिलना चाहिए काम से थोड़े समय के लिए, ताकि क्या हो सके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके एक कंपनी में, एफिशिएंसी से काम हो सके थ्रू एम्प्लॉयज. ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स.
सेकेंड पॉइंट है आपका ये टेक्निक का, विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट द वर्क प्लेस। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बने ये क्या है, थ्रू स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू बने। टेलर्स अडॉप्टेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग एनवायरमेंट एंड द मेथड ऑफ रिडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ द मटेरियल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फटीक अमॉन्ग द वर्कर्स एंड इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। क्या करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट से, आपका वेस्टेज नहीं होता, टाइम बचता है और प्रॉपर टाइम मिलता है वर्कर को क्या करने के लिए, क्वालिटी वर्क देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट दैट इज द साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर्स एम्फसिस द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डे वेज, फेयर डे वर्क्स। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिफोर देयर कैपेसिटी। बाय यूजिंग दिस टेक्निक एम्प्लॉयज विल कम्प्लीट देयर टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अभी देखो क्या दिया, टास्क सेटिंग दिया, एक प्रॉपर फिक्स कर दिया जाता है, एक दिन का टास्क दे दिया जाता है उस पर्सन का और उस पर क्या किया जाता है, वर्क करते हैं एम्प्लॉयज। उससे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है टाइम पे काम जितना उस पर्सन को दिया है, स्टैंडर्ड मिलता है एक पर्टिकुलर काम के ऊपर कंपनी को, एंड इवन क्या होता है, वेस्टेज भी कम होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है किसका, वर्कफोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, देखिए साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स। क्या होता है, मैनेजमेंट एक राइट एक प्रॉपर सिलेक्शन करता है एक पर्सन का एक जॉब के लिए। इट नीड टू फिक्स द जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा भी रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर एक काम में स्किल्स रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो वैसा ही स्किल्ड वर्कर ढूंढा जाता है। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल जॉब है तो प्रोफेशनल को ढूंढा जाएगा। ठीक है, वैसा जॉब अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन ढूंढा जाता है। एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन एन इम्पार्शियल वे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बना है उसके हिसाब से ही एम्प्लॉय को ढूंढा जाता है। आफ्टर सिलेक्टिंग सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। क्या करता है, ट्रेनिंग दिया जाता है बाद में ताकि वो उस काम को और अच्छे से करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर्स प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। टेलर के हिसाब से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, जो प्लानिंग किया है और उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं हम एक बिजनेस में, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाई डिफरेंट पर्सन एंड एक्चुअली वर्क इज सुपरवाइज बाई डिफरेंट पर्सन। उस टेलर के हिसाब से प्लानिंग करने वाले बंदे अलग होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, ठीक है, उसको एक्चुअल में लाने वाले बिजनेस पर्सन जो होंगे वो अलग होंगे। Does every workers will be supervised by two different set of supervisor? But obviously दो सेट बन गए ना सुपरवाइजर के, एक बन गए प्लानिंग वाले, एक बन गए इम्प्लीमेंटेशन वाले। तो वो कौन, दोनों जो सेट बने हैं उनके सुपरवाइजर क्या करते हैं, एम्प्लॉय पे नज़र रखते हैं कि वो काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। He recommended total 8 foremen to control the various aspect of production. Production करते समय कितने foremen बन जाते हैं, कितने persons बन जाते हैं control करने वाले, 8 बन जाते हैं। अभी हम देखेंगे आगे 8 कौन कौन से हैं। एंड एक बात मैं बता दूँ स्टूडेंट्स आपको, एक्चुअली फंक्शनल फोरमैन, सॉरी जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था जो दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जैसे कि डिसएडवांटेज था टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। क्योंकि एक बंदा अगर आठ जन को अपना बता रहा है कि दिन में वो क्या कर रहा है, सो ही मे गेट प्रेशर आ सकता है उस पर काम करने के लिए, एंड मे बी उसका काम अच्छे से ना हो। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए क्या क्या है एट प्लानिंग लेवल। ठीक है, प्लानिंग लेवल दो पार्ट में डिवाइड किया है, देखो ए एंड बी पार्ट। प्लानिंग लेवल में 4 जन हैं और इम्प्लीमेंटेशन में 4 जन हैं। पहला प्लानिंग देखते हैं हम लोग। रूट क्लर्क क्या होता है, हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ठीक है, रूट क्लर्क क्या देखता है, मैच द कॉलम में या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, रूट क्लर्क का क्या काम होता है, देखता है कि एक पर्सन दूसरे मशीन में मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंस्ट्रक्शनल क्लर्क क्या होता है, रिकॉर्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट दी वर्क। वो प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बताता है, डिटरमाइंस टाइम्स इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट ऑफ कॉस्ट। वो टाइम देता है एक वर्कर को, इसी टाइम में आपको काम कंप्लीट करना है, वो भी प्रॉपर कॉस्ट के साथ। ठीक है, डिसिप्लिन क्या बताता है, एंश्योर दैट दी वर्कर्स आर वर्किंग एज पर दी फैक्ट्री रूल्स। ठीक है, वर्कर्स क्या करेंगे, अपने फैक्ट्री रूल के हिसाब से ही काम करें। ये किस में आता है, ये चारों थिंग प्लानिंग लेवल में आता है। अभी बी पार्ट देखते हैं हम लोग, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल।
तो आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है? क्लर्क जो वर्ड आपको दिखा वो किस में आएगा आपको याद रखना है, दैट इज प्लानिंग में आता है, और बॉस दिखा तो किस में आएगा वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, ठीक है? इतने दो चीज़ आप याद रखिए। इम्प्लीमेंटेशन में देखिए क्या क्या आता है। गैंग बॉस क्या बताता है? एक्चुअली गेट दी वर्क डन, एक्चुअली वो क्या करता है, काम करा के लेता है। स्पीड बॉस क्या देखता है? वर्क कंप्लीट इन ए स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में वो काम होना चाहिए। रिपेयर बॉस क्या देखता है? हैंडल्स सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ दी मशीन मैकेनिज्म, ठीक है? मशीन देखता है कि रिपेयर है कि नहीं, चल रहा है स्मूथली, चल रहा है कि नहीं, एंड मेंटेनेंस देखता है। इंस्पेक्टर क्या होता है? एंश्योर्स दैट दी वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड में काम होना चाहिए सब वर्कर्स का। गॉट इट? आपको याद रखना है प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या आती है। मैंने आपको एक क्लू बता दिया ना, प्लानिंग में कैसे याद रखना है, क्लर्क आता है और इम्प्लीमेंटेशन में बॉस आता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? देखो, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, ये भी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था टेलर ने, बट एक्चुअली ये एक एक्चुअल ड्रॉबैक बन गया था दूसरे बिजनेस के लिए। देखिए क्या बोला इसमें, रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट, रेम्यूनरेशन मतलब जो मिलता है पैसा बंदे को काम करने के बाद, दैट द एवरेज वर्कर्स इज मोटिवेटेड टू अटेंड स्टैंडर्ड आउटपुट। टेलर सजेस्ट द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, हायर रेट आर ऑफर टू द एम्प्लॉयज हु कंप्लीट देयर वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर दिस सिस्टम। अभी सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है, वेज क्या होता है। इसमें क्या होता था ना, टेलर के हिसाब से जो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कम से कम टाइम में कर रहा है, अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो भी 100% दे रहा है, उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता था, समझ में आया? और जो बंदा काम कम कर रहा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसे पैसे क्या किए जाते थे, कम दिए जाते थे। तो यहाँ पर इक्वली सैलरी नहीं होता था, इक्वली जो था पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था वर्कर्स के बीच में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेलर। ऑन द अदर हैंड, इफ द एम्प्लॉयज इज परफॉर्मिंग बिफोर द स्टैंडर्ड, ही शाल बी गिवन लो रेट ऑफ वेजेस। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं हुआ तो कम पैसा मिलता था एज अ वेजेस टू द वर्कर्स। दिस टेक्निक्स मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज, टेलर को लगता था ये टेक्निक क्या करेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, बट एक्चुअली ये सिर्फ फैक्ट्री लेवल तक ही सीमित रहा, हायर लेवल पे या बिग बिजनेस में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक बना था किसके लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, टेलर का, ठीक है? आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स है आपको, ठीक है? तो ऐसे तो ड्रॉबैक्स आपके बुक्स में स्टूडेंट नहीं दिए है, बट आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली क्या ड्रॉबैक्स है, तब जाके क्या किया था हेनरी फ्योल ने बनाया था। गॉट इट? सो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपको फर्दर भी स्टडीज में आएंगे, सो आप अभी से इसका कॉन्सेप्ट क्या कीजिए, क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।